टू माई चैनल, दिस इज़ मीता रॉय। तो कैसे है गाइज, आप सब लोग, होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होंगे। सो गाइज, टुडे आई एम कमिंग विद अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, बिकॉज मैं आपके सामने अपना स्किन केयर रूटीन लेकर आई हूँ आज। स्किन केयर रूटीन में मतलब मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आज अपना जो स्किन केयर रूटीन करने वाली हूँ वो होगा विथ टू प्रोडक्ट्स। बेसिकली मैंने आज अपनी बास्केट में रखा हुआ है फैम का ब्लीच, गोल्ड ब्लीच, एंड सेकंड रखा है मैंने गार्नियर का फेस शीट मास्क। सो मैं आज आपके सामने डेमोंस्ट्रेट करने वाली हूँ और ये एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा ये डेमोंस्ट्रेशन। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए जो नीचे रेड बटन में लिखा है सब्सक्राइब रेड वर्ड्स में, उसको आपको क्लिक करना है गाइज। फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है, बिकॉज अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो गाइज मेरी फैमिली इंक्रीज होगी यूट्यूब पे। और आप भी चाहते हो कि मेरी फैमिली इंक्रीज हो कि नहीं, वैसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो गाइज चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बातें ना करते हुए इसका डेमोंस्ट्रेशन आप देख सकते हैं। और हाँ, आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज गाइज ये बहुत छोटी सी वीडियो है, अगर आप ये भी स्किप करके देखोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। सो लेट बिगिन स्टार्ट। सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, तो मैंने यूज़ किया है पॉन्स का वाइट फेस वॉश। ये है प्योर वाइट है, एंटी पॉलिटिन प्योरीफाई करता है, प्योरिटी के साथ है। दूसरा है विद एंटी इफेक्टिव चारकोल, इसमें चारकोल भी है आपका। सो गाइज ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, इसका जो टेक्सचर है मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप से है, तो ग्रेइश टाइप है एंड अमेजिंग है गाइज, बहुत ही अच्छा है। लाइक ये आपका डीपली क्लीन करता है आपके फेस को, क्लीन करता है बहुत अच्छे से, और जो भी डर्ट होता है, एक्स्ट्रा डर्ट वगैरह होता है, वो बहुत अच्छे से प्योरीफाई करता है, निकालता है आपके फेस से, एंड आपका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बनाता है। सो गाइज आप भी ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, ये वाला जो फेस वॉश है सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी सेंसिटिव स्किन है एंड जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जो लोग वर्किंग हैं तो उनको ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लाइक डर्ट की, पॉल्यूशन की। सो ये अच्छे से रिमूव करता है। सो गाइज टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। सो सबसे पहले मैंने अपने फेस को कर लिया है टोटली क्लीन, उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ फैम का ब्लीच। गाइज ब्लीच में आपको बहुत सारे वेरियंट्स मिल जाएंगे मार्केट में, बट ये बात होती है कि आपके फेस को क्या सूट कर रहा है। सो गाइज मेरी है नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन एंड ड्राई स्किन भी है मेरी। सो गाइज मैंने लिया है आज का फैम फेयरनेस नेचुरल्स। सो गाइज काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि दीदी आप ऐसे कुछ ब्रांड्स हमें दिखाइए जो अफोर्डेबल हो, जो हम लोग यूज़ कर सके, एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि एक्सपेंसिव होने में क्या होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है गाइज। तो आज का ये वीडियो भी उसी पे बेस्ड है कि अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने कैसे रूटीन केयर कर सकते हो, स्किन केयर रूटीन। सो गाइज इसमें आपको कुछ इस टाइप की पैकेजिंग मिल जाती है, आप ऊपर से देख सकते हो कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है, और ये ओनली 75, हाँ पहले 75 का आता था बट अभी 70 रुपीज़ का आने लग गया है। ये गोल्ड क्रीम ब्लीच है और सेंसिटिव स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। और इसमें आप क्या फेयरनेस नेचुरल्स गोल्ड क्रीम ब्लीच है, नो पैराफिन है, कस्टमाइज प्लीजन, तो ठीक है आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा ये, रेडियंट करेगा, तो गाइज इसमें साइड इफेक्ट भी नहीं है। दूसरा आपको कुछ पैकेजिंग इस टाइप की मिल जाती है, बहुत ही अच्छा बात की जाए तो अच्छे अमाउंट में इसकी पैकेजिंग है, और एक्टिवेटर है इसका, एक्टिवेटर में आपको 5 ग्राम का एक्टिवेटर मिल रहा है। तो मैंने इसको दोनों में पेस्ट बना लिया है और इसको मैं अप्लाई करने वाली हूँ। जहाँ पर भी आपके एक्स्ट्रा हेयर्स वगैरह लग रहे हैं आपको, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपको 5 to 10 मिनट्स रखना है, 15 मिनट भी आप रख सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज रैशेज वगैरह भी कुछ हो सकता है इसमें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है इसके लिए। और अगर आप कोई भी ब्लीच अगर अप्लाई कर रहे हो आप अपने फेस पे और आपकी फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है स्किन, तो आप इससे पहले ट्रायल भी ले सकते हो, आप एक दिन पहले आप अपने स्किन के यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो, जो आपके हैंड के जो हेयर्स वगैरह होते हैं आप उस पर भी ट्राई कर सकते हो कि कोई आपकी एलर्जी वगैरह या रैशेस वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। वैसे कहते हैं घी स्पैचुला से भी लगता है, बट ठीक है कि आप अगर आप अपने हैंड का यूज़ कर रहे हो,
क्योंकि जो आपको कंफर्टेबल हो आप वही कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मैं अपने हाथों से ही लगा रही हूँ इसको। नाउ गाइस मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे 15 मिनट्स रखूँगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट स्टेप के साथ। सो थोड़ा सा वेट कीजिए और मैं आती हूँ 15 मिनट्स में। सो बाय बाय, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो आफ्टर 15 मिनट्स तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेस है वो ड्राई हो गया है। तो अब मैं, वैसे काफ़ी लोग ये ना स्पॉन्ज की हेल्प से भी इसको रिमूव करते हैं, लेकिन मैं कॉटन है एक हैंकी तो मैं इससे रिमूव कर रही हूँ। मैं कॉटन वाला जो क्लोथ है ये क्यों यूज़ कर रही हूँ गाइस, इससे होता क्या है कि बहुत अच्छे से ना आपका जो भी पैक है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है अच्छे से। सो अगर घर पे अवेलेबल नहीं है स्पॉन्ज वगैरह कुछ ऐसे तो आप इससे भी कर सकते हो। अच्छे से कर लिया है रिमूव, उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ गार्नियर का फेस शीट मास्क। सो ये भी गाइस 75 रुपीज़ का है ओनली, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें कुछ आपको ऐसा मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। कुछ इस टाइप का है, तो आपको इसे फेस पे अप्लाई करना है। अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे। कुछ इस टाइप से आप अप्लाई कर लोगे अपने फेस पे पूरा अच्छे से। उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा वाला है सीरम वगैरह वो भी आपको निकाल के अच्छे से अप्लाई कर लेना है। सो अब मैं आती हूँ गाइस 10 to 5 मिनट्स हो गए, अब मैं करने वाली हूँ इसको रिमूव। वाओ, अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लोई एंड ड्यूई लग रहा है मेरा फेस, मतलब लाइक जैसे आप पार्लर में जाके अपना फेशियल वगैरह करवाते हो बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। तो आप घर पे भी कुछ इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फेस मास्क आते हैं, फेस मास्क शीट्स आते हैं, तो ऐसा कभी कुछ अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप घर पे ही अपना पूरा केयर कर सकते हो, आप अपना स्किन केयर रूटीन कर सकते हो। सो गाइज आज की वीडियो को यहीं पर एंड करना होगा मुझे, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय और प्लीज़ बहुत सारा ढेरों सारा प्यार दीजिए, खुश रहिए, बाय बाय।